अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हमारे पास ये एक हाई प्रेशर सोडियम लाइट है। आज हम इसके कनेक्शन करना देखेंगे किस तरह इसके कनेक्शन होते हैं। पहले इसे ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो गई है। इसके कंपोनेंट देखते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। जी ये देखें दोस्तों, इसमें एक ब्लास्ट लगा है, एक इग्निटर है और एक लैंप है। ये तीन चीज़ें हैं इसमें। 400 वाट का ब्लास्ट है, 400 वाट का इग्निटर है। ये मेरे पास अलग से रखा हुआ है इसका सेट। एक एक ब्लास्ट होल्डर, एक इग्निटर और एक ये लैंप 400 वाट का। 400 वाट इग्निटर, 400 वाट ब्लास्ट। चले आए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं किस तरह इसके कनेक्शन होंगे। इस लाइट को पहले मैं खोल के साइड पे रख दूँ। जी दोस्तों ये हमारा सेट है, एक होल्डर, एक ब्लास्ट, एक इग्निटर और एक लैंप 400 वाट का। चले आए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होल्डर में इसकी दो तारे लगा लेंगे न्यूट्रल और फेस। जी दोस्तों ये होल्डर के हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। चले आए अब इसकी वायरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों ये सबसे पहले हम एक वायर का पीस लेंगे। ये हमारी सप्लाई है, इसे हम ब्रेकर में लगा देंगे एक साइड से। इस वायर का दूसरा सिरा हम लगाएंगे ब्लास्ट में। अब ब्लास्ट से हम एक आउट लेंगे और उसे लगाएंगे इस इग्निटर पे। दोस्तों इग्निटर पे रेटिंग ऑलरेडी लिखी होती है बी, एल और एन। बी मीनिंग ब्लास्ट, एल मैंने लैंप, एन यानी न्यूट्रल। ये देखें दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है, अगर आपको साफ नज़र आ रही हो तो। दोस्तों ये एक और वायर हमने ली है ब्लास्ट के आउट पे, इसे लगाई है हमने। इस वायर का दूसरा सिरा हम इग्निटर में लगाएंगे। इग्निटर में बी पॉइंट पे इसका लगाएंगे ये सिरा। ये देखें दोस्तों बी पॉइंट है, यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह होल्डर में से एक वायर जो है फेस वायर, इसे हम सेंटर में लगा देंगे जहाँ पर ये एल लिखा है। अब एक और वायर का पीस लेंगे, उसमें हम ये बल्ब की न्यूट्रल, होल्डर की न्यूट्रल लगाएंगे और एक मेन न्यूट्रल लगा देंगे।
और ये इस वायर का दूसरा सिरा हम लगाएंगे मेन के साथ। ये हमारी मेन वायर हो गई है। जी तो दोस्तों कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आए इसकी वायरिंग एक बार दोबारा समझते हैं, उसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे। सबसे पहले ब्रेकर से एमसीबी से हमने एक मेन वायर ली है, फेज़ वायर। इसे हमने लगाया ब्लास्ट के एक पॉइंट पे। अब ब्लास्ट के दूसरे पॉइंट से हमने आउटपुट वायर ली है और उसे लगाया है इग्नेटर पे, इग्नेटर के बी पॉइंट पे। और एल बी पॉइंट पे हमने इनपुट दिया और एल पॉइंट पे से हमने आउटपुट ले कर लैम्प को फेज दे दिया। और न्यूट्रल इस होल्डर की और मेन न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। मेन एमसीबी से हमने एक वायर ली है, उसका पहला सिरा हमने एमसीबी में लगाया है और दूसरा सिरा हमने ब्लास्ट को इनपुट दे दिया है एक पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट से आउटपुट हमने ली है ब्लास्ट के और उसे लगा दिया है इग्नेटर के बी पॉइंट पे, बी में ब्लास्ट। अब एल पॉइंट पे हमने एक होल्डर की वायर लगा दी है, ये फेज़ वायर है, ठीक है। और होल्डर की न्यूट्रल और मेन न्यूट्रल दोनों हमने ये कॉमन कर दिए हैं। दोस्तों ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। चले आए इसमें ये लैंप लगाते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं लैंप हमारा ऑन हो गया है। इस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।